आप सब लोगों का अभिनंदन करना चाहता हूं। मित्रों, लगभग 100 दिन पहले राजस्थान की जनता के आशीर्वाद से एक बड़े बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का अवसर मिला। चुनाव के समय में जो वादे प्रदेश की जनता से किए थे, श्रृंखलाबद्ध तरीके से 100 दिन में उनमें से अधिकांश वादों को पूरा करने के दिशा में सरकार ने सफलतापूर्वक काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में यह घोषित किया था कि हम प्रदेश को क्या कर रहा है, इस माफिया राज और गुंडागर्दी से मुक्त करा करके भयमुक्त वातावरण देंगे। जिस तरह से एक प्रभावी कार्रवाई पूरे प्रदेश भर में ऐसे अराजक असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने के लिए की गई, उसका परिणाम आज हम सब लोगों के सामने है। अलग अलग तरह के माफियाज पर जिस तरह की कार्रवाई की गई, उसके कारण से ऐसी चलने वाली सारी अवैध गतिविधियों पर रोक लग सकी। पेपर लीक जो युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था, और भारतीय जनता पार्टी के सभी स्तर के नेताओं ने यह बात कही थी अपने भाषणों के दौरान, प्रेस से बात करते हुए, कि जनता जब हमें अवसर देगी, हम पेपर लीक पर केवल प्रभावी कार्रवाई ही नहीं करेंगे उसको रोकने के लिए, अपितु जिन लोगों ने ये पाप किया है उनके षड्यंत्र पूर्वक कारनामों को जनता के सामने लाने का काम भी करेंगे। आप सबने देखा एसआईटी का गठन हुआ और उस गठन के बाद में जिस तरह से प्रभावी कार्रवाई हुई, और मैं ये मानता हूं कि अभी तो शायद एक कदम ही हम आगे चल पाएंगे, अभी कुछ और कदम आगे चलेंगे और इससे भी आगे बढ़ करके इस जो है कार्यवाही के सकारात्मक परिणाम सबको देखने को मिलेंगे। पिछले 3 महीने के कालखंड में जितनी परीक्षाएं हुई है उन परीक्षाओं में किसी भी तरह का पेपर लीक होने का इस ऐसा या लांछन का टीका भारतीय जनता पार्टी ने सरकार भजन लाल जी की सरकार पर नहीं रखी। हमने किसानों से वादा किया था कि जो किसान को प्रधानमंत्री सम्मान निधि का सहयोग माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनके कृपा से मिलता है, उसको हम जो है अपनी तरफ से उसमें वृद्धि करेंगे। राज्य सरकार ने उसमें चरणबद्ध तरीके से वृद्धि करने का संकल्प दोहराते हुए 6,000 रुपए की उस किस्त को 8,000 रुपए करना ऐसा घोषित कर दिया और उस पर कार्रवाई होगी। सिलेंडर की प्राइस कम करने का हमने वादा किया था, 450 रुपए में हम सिलेंडर देंगे उज्ज्वला कनेक्शन होल्डर्स को, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही उसके ऊपर पैसा कम किया था और प्रदेश की सरकार ने निर्णय करके वित्तीय भार अपने कंधों पर उठाते हुए प्रदेश की सरकार ने 450 रुपए में गैस का सिलेंडर उज्ज्वला गैस कनेक्शन होल्डर्स को मिल सके इसको सुनिश्चित किया। सच चुनाव के मैदान में जब हम थे तब हमने वादा किया था और हमने बार बार चीख चीख करके बात की थी कि राजस्थान में देश का सर्वाधिक महंगा डीजल और पेट्रोल बिकता है, और आप सब पत्रकार मित्रों ने भी उस समय इस विषय को बहुत प्रमुखता के साथ में छापा था, अपने टीवी चैनल्स पर, अपने मीडिया चैनल्स पर, अपने वेब चैनल्स पर दिखाया था कि गंगानगर में देश का सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल बिक रहा था। कल सायंकाल माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राजस्थान सरकार ने 2% वैट डीजल और पेट्रोल पर कम करने की घोषणा ऐसी की है और वो आज सुबह 6 बजे से प्रभावी भी हो गई है। ये 2 रुपए का 2% कम करने से लगभग 1.5 से 1.5 रुपए के आसपास, 1.60 रुपए के आसपास सब जगहों पर डीजल और पेट्रोल की कीमत में कमी आएगी। लेकिन एक विषय हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों का था, जो सीमा हमारी पंजाब के साथ में लगती है, गंगानगर में जहाँ देश का सर्वाधिक महंगा पेट्रोल और डीजल बिकता था ऐसा कहते थे, जो सीमा हमारी हनुमानगढ़ में पंजाब से लगती है, हरियाणा से बहुत लंबा बॉर्डर हमारा चूरू से लेकर के झुंझुनू तक,
और जो है इधर अलवर तक जो पूरा बॉर्डर हमारा हरियाणा के साथ में, गुजरात के साथ में हमारा जो है बॉर्डर जालौर सिरोही दोनों और डूंगरपुर बांसवाड़ा इन सब जिलों में, क्योंकि हमारे पड़ोसी प्रदेशों चाहे हरियाणा है पंजाब है या गुजरात है सभी जगह डीजल और पेट्रोल की जगह पर वैट में राजस्थान की तुलना में बड़ी कमी होने के चलते हुए इस सीमावर्ती क्षेत्रों में बॉर्डर एरियाज के पेट्रोल पंप पीछे पेट्रोल पंप आउटलेट्स पिछले वर्षों से बंद पड़े थे, कई सालों से उन पर काम नहीं हो रहा, क्योंकि अगर पांच छह सात रुपए लीटर डीजल और पेट्रोल कम भाव में अगर बॉर्डर के उस पार मिलता है तो लोग उधर जाकर के भरा करके वापस अपना काम चला लेते थे। इससे सरकार को दोहरा नुकसान हो रहा है, एक तरफ राजस्थान के लोगों को पैसा खर्च करना पड़ रहा था, दूसरे प्रदेश में जाना पड़ रहा था और टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन भी दूसरे प्रदेश में हो रहा था, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्रों की दूरियां अधिक होने के कारण से ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंडिचर डीजल और पेट्रोल का डिपो से बहुत ज्यादा होने के चलते हुए भी वहां प्राइसेज जो है वो सर्वाधिक थी। एक तरफ भारत की सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय हरदीप पुरी जी जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है उन्होंने निर्णय करके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को सब्सिडाइज करने का निर्णय किया, वहीं दूसरी तरफ जो नॉशनल लॉस होता है डीजल और पेट्रोल में अगर हम वैट कम करते हैं और तुलनात्मक रूप से दूसरे प्रदेशों के कम करते हैं तो उसको पूरा करने के लिए क्रॉस सब्सिडी देने का निर्णय हुआ, और उसके चलते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों के जो पेट्रोल पंप में जहां जिस तरह के टैक्स जो है इम्पेरिटिव फर्क था दो प्रदेशों के बीच में उसको ब्रिज आउट करने के लिए ₹4 से लेकर के ₹5.40 तक का पेट्रोल और डीजल में क्रॉस सब्सिडाइज करके और कीमत कम करने की घोषणा हुई है, जो भी आज सुबह 6 से प्रभावी है। और मैं ये मानता हूं कि इसके चलते हुए एक तरफ राजस्थान सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ेगा और दूसरी तरफ सीमावर्ती क्षेत्र में जो पेट्रोल पंप हजारों की संख्या में बंद उन पेट्रोल पंप पर आश्रित लोगों के घर में वापस ठीक से चूल्हा जल सकेगा, और दूसरी तरफ राजस्थान में जो डीजल और पेट्रोल की कालाबाजारी का एक माफिया काम कर रहा है इस माफिया पर भी हम उसके चलते हुए अंकुश लगाने में कामयाब होंगे। इसी के अनुक्रम में कर्मचारियों को राहत प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उनके डीए में 4% की बढ़ोतरी पिछले दिनों कैबिनेट में डिसीजन करके की थी। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं राजस्थान प्रदेश के 12,40,000 सरकारी कर्मचारियों की ओर से कि उसी पदानुक्रम में राजस्थान की सरकार ने भी 4% डीए को बढ़ा करके प्रदेश के कर्मचारियों को एक बहुत बड़ी राहत प्रदान की है। ये जो बढ़ी हुई उनको डीए की राशि है ये 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगी, मार्च का जो इस जो करंट मंथ है इसकी सैलरी में साथ जुड़ करके आएगा, और जो सैलरीज पहले मिल चुकी है दोनों वो उनके ईपीएफ और ग्रेच्युटी के अकाउंट्स में सरकार जमा करा देगी ताकि कर्मचारियों को उसका लाभ मिल सके। इसी के क्रम में एक बहुत बड़ा निर्णय राजस्थान की सरकार ने किया, हम सब जानते हैं कि राजस्थान जो एक समय में इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस स्टेट था, हमारे पास हमारी मांग से ज्यादा आपूर्ति बिजली की जो है उत्पादन करने की क्षमता थी, लेकिन दुर्भाग्य से पिछली सरकार ने जिस तरह से काम किया स्ट्रक्चर्स को रीऑगमेंट किए बिना आनन फानन में कृषि कनेक्शन दिए और उनके चलते हुए गुणवत्ता पूर्वक बिजली मिलना भी मुश्किल हुआ। मैं कल दिन भर लोहावट क्षेत्र में प्रवास कर रहा था, एक समय था जब ये कहा जाता था कि राजस्थान में अगर सबसे बेहतर कहीं बिजली तंत्र है तो वो लोहावट में है, लेकिन अभी वहां के किसान भी त्राही त्राही कर रहे हैं कि वहां बिजली नहीं मिल पा रही, गुणवत्तापूर्ण बिजली नहीं मिलती, प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिलते, मोटर चल जाती है। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान में 3,325 मेगावाट की थर्मल परियोजनाएं और लगभग 28,500 मेगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी की परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। इससे जहां एक तरफ राजस्थान में 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश आगामी वर्षों में होगा,
और उसके साथ साथ में राजस्थान में जो एमओयूज किए गए हैं उनके कारण से जो बिजली उत्पादन होगा उससे राजस्थान एक बार फिर एनर्जी सरप्लस स्टेट हो जाएगा। हम अपने यहाँ जो अनुकूलता हमारे यहाँ सूरज की रोशनी के चलते हुए है, जमीन की उपलब्धता के चलते हुए, उस अनुकूलता के आधार पर हम बिजली का उत्पादन करके राजस्थान की रेवेन्यूज को बढ़ा पाएंगे। एक निर्णय कल माननीय सरफेस ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर आदरणीय गडकरी जी ने लगभग 1,000 करोड़ रुपए की 31 CRF सड़कों को स्वीकृति प्रदान करके जो हमारी स्टेट रोड्स हैं उनको अपग्रेड करने का भी निर्णय किया है। इस तरह से एक सरकार जो बनने के साथ ही अपने संकल्प पत्र को अपने लिए गीता के रूप में स्वीकार करते हुए, अपने लिए मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार करते हुए, उस दिशा में तेज गति से काम करते हुए आगे बढ़ रही है। मुझे आप सबके साथ में साझा करते हुए प्रसन्नता है कि जोधपुर की एक बहुत बड़ी समस्या, जोधपुर में लगभग 250 ml 25 करोड़ लीटर पानी रोज डिस्ट्रीब्यूट होता है थ्रू पाइपलाइंस और घरों में आपके और मेरे सबके घर में, और उपयोग के बाद में जो सीवर लाइन का नेटवर्क बना हुआ है उससे लगभग 20 करोड़ 21 करोड़ लीटर पानी जो है वो हमारे जल शोधन संयंत्रों में जाता है, वहां से शोधन होकर के आइडियली उसको जो है नदी में जाना चाहिए। लेकिन जोधपुर शहर की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अभी केवल 110 ml यानी 11 करोड़ लीटर की है और वो भी ठीक से प्रोजेक्ट काम नहीं कर रहे, उसके चलते हुए आज ये 31 किलोमीटर लंबाई की नदी जोजरी जो है ये किसानों के लिए और आसपास के इसके किनारे पर इस पर डिपेंडेंट 16 लाख लोगों के लिए एक अभिशाप के रूप में बन गया। जो इंडस्ट्रियल अफ्लुएंट जाता था वो भी उसके लिए अभिशाप के रूप में बन गया। मैंने जब 15वां वित्त आयोग बना था मैंने वित्त आयोग रिकमेंडेशन से पहले निवेदन किया था कि इस जोजरी नदी के पानी पुनरुद्धार के लिए राज्य सरकार को स्पेसिफिक ग्रांट के रूप में पैसा मिलना चाहिए, और मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूं उस समय जो 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे आदरणीय एनके सिंह साहब जो जोधपुर के दामाद भी हैं, उन्होंने सहृदयता पूर्वक विचार करते हुए इस प्रोजेक्ट को सैंक्शन किया था। लेकिन दुर्भाग्य से 4 साल तक उसकी परियोजना जो मैंने अपने मंत्रालय से अधिकारी भेज करके बना दी थी वो जोधपुर कलेक्टर के ऑफिस से रिफंड होकर के भी जयपुर नहीं पहुंच गई, और जयपुर पहुंचने के बाद में उसको दिल्ली जाना था वहां नहीं पहुंच पाई, 4 साल तक वो रुकी भी नहीं, कारण आप सब लोग अच्छी तरह से जान सकते हैं खोज सकते हैं। लेकिन आज मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं कि सरकार बनने के साथ ही, क्योंकि उस पैसे को मिलने में बहुत विलंब होता था, मैंने जल शक्ति मंत्रालय के अधीन काम करने वाले नेशनल रिवर कंजर्वेशन डायरेक्टरेट से जोधपुर के 4 नए सूरज ट्रीटमेंट प्लांट सैंक्शन किए, उनके चलते हुए अब जोधपुर की जल शोधन संयंत्रों की कैपेसिटी जो है आने वाले 30 सालों के लिए आवश्यकता के अनुरूप होगी, और जोधपुर में इस पूरे पानी को हम ट्रीट कर पाएंगे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर ट्रीट कर पाएंगे। जोधपुर के इंडस्ट्री का जो अभी लगभग 18.50 ml मीन्स 1,85,00,000 लीटर जो पानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से निकलता है, लगभग 15 लाख लीटर पानी हमारे स्टील इंडस्ट्री से निकलता है, एक तरफ एसिडिक पानी निकलता है दूसरी तरफ क्षारीय निकलता है, उन दोनों की कैपेसिटी कम होने के कारण से इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी नहीं हो पा रही है और वो ठीक नहीं होने के चलते हुए नदी को भी प्रदूषित कर रहे थे, उसी कैपेसिटी के संयंत्र और बने, इसका भी मार्ग प्रशस्त कर दिया ताकि एक तरफ जोधपुर में इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हो और ये जो ट्रीटेड पानी है इस पानी को आने वाले समय में जिस तरह से अहमदाबाद में हमने एक तकनीकी MOU इसराइल के साथ में करके और ये पानी उपयोग में आ सके खेती के इस दृष्टिकोण से काम प्रारंभ किया है, आने वाले समय में ये जोधरी का पानी जो है ये किसानों के सिंचाई के रूप में लिए शुद्ध पानी के रूप में उपयोग हो सके उसका मार्ग आज हमने प्रशस्त किया है। 172.5 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास अभी किया है और मुझे पूरा भरोसा है कि आगामी 2 वर्ष में हम इसको पूरा कर पाएंगे और 2 वर्ष में पूरा करने के बाद में जोधपुर की समस्या का स्थायी समाधान जो है हम हमेशा हमेशा के लिए कर पाएंगे। आप सब मित्रों ने इतनी देर तक आने के बाद में भी इंतजार किया उसके लिए एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूँ, आप सबका आभार करता हूँ। फैन ऑन कर देता ना, अब तो पंखे चला दो यार। सुना।
इसका तो ये क्या सर पेट्रोल डीजल के क्योंकि ऐसा है कि जो राजस्थान के हर विधानसभा हर विधायक की अनुशंसा है उनकी सड़कों का रिपेयरिंग और मेंटेनेंस हो सके इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1,000 करोड़ रुपए का सेंशन दिया। हर विधानसभा में 5 करोड़ रुपए से सड़कों का मेंटेनेंस पर काम शुरू हो रहा है। अपने यहाँ जोधपुर में भी जोधपुर शहर की 3 विधानसभाओं के लिए बजट एलोकेशन हो गया, काम के चालू करने की प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी और बहुत जल्दी जो है वो काम शुरू भी हो जाएगा। और उसमें क्योंकि काम शुरू हो गया है इसलिए उसमें किसी भी तरह के तब उन्होंने गड्ढे खोलते और आचार संहिता का बहाना बना के उसे काम रोकते हुए हमारी सरकार आते दिन ने उसकी तहकीकात की तो मालूम पड़ा बिना फाइनेंशियल के वो टेंडर वो निकाल। आज की तारीख में भी उसका जवाब देने के लिए वो उसके लोग देखिए बिना फाइनेंशियल सैंक्शन के आप लोग फाइनेंशियल सैंक्शन के टेंडर निकाल ये कांग्रेस की सरकार की परंपरा और परिपाटी रही थी। आप सबके संज्ञान में होगा कि 2013 में जब शरद साहब की सरकार गई थी तब एनडीए ने जोधपुर में ऐसे 1,000 करोड़ रुपए के टेंडर बिना किसी फाइनेंशियल स्वीकृति के अवेलेबिलिटी के कर दिए थे जिसका ये सभी भी एंटी करप्शन ब्यूरो में चला और अब फिर एक बार उन्होंने इसी तरह का दुष्पाप बिना किसी सक्षम स्वीकृति बिना किसी फाइनेंशियल के इस तरह के टेंडर करना और टेंडर करके एग्जिस्टिंग सड़कों को खोल करके छोड़ देना और लोगों को जो है अपने राजनीतिक लाभ के उद्देश्य के चलते हुए लोगों के जीवन को दुश्वार बना देना ये मैं ये मानता हूँ कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये दुष्कृत्य नहीं है, ये पाप है जो पाप उन्होंने किया और उनके पाप का घड़ा टूटा भरा भी और टूटा भी जनता ने उसकी सजा दी। सर लोकसभा चुनाव की बात करें तो आगामी चुनाव में आपका क्या विजन रहेगा? चुनाव की राजनीति के लिए क्या विजन रहेगा सर आने वाले 5 सालों के लिए? आप कितना सवाल पूछे मतलब आप लोगों ने ये तो मान लिया है कम से कम कि मैं 5 साल के लिए वापस आ रहा हूँ क्या विजन रहेगा? मैं आज आपको कह देता हूँ किताब में लिख लीजिएगा चौथी बार भी बदलेगा वो आरोप लगा रहे सर बाहरी और शहरी इलेक्शन का माहौल है क्या कहना है? क्या आप तो मेहरोली से चुनाव लड़ना चाहिए? मैं एक चीज आपको स्पष्ट कर देना ये कांग्रेस पार्टी की परंपरा और परिपाटी है। उन्होंने इस देश को पहले क्षेत्र के आधार पर बांटा फिर इस देश को बोली और भाषा के आधार पर बांटा फिर इस देश को मजहब के आधार पर बांटने का काम किया इस देश को गरीब और अमीर के नाम पर बांटा इस देश को ऊंचे और नीचे के नाम पर बांटा ये बांट करके राजनीति करना जिनके डीएनए में है उनको शायद यही दिखाई देता है और उनको मुझ पर प्रश्न खड़ा करने से पहले उनके आदरणीय राजकुमार जहां से चुनाव लड़ रहे हैं उसके बारे में एक बार संज्ञान लेकर के टिप्पणी कर लोकसभा चुनाव को लेकर क्या विजन रहेगा? देखिए भारत बनाने की संकल्पना और संकल्प लेकर के हम सब लोग आगे चल रहे हैं। एक तरफ जहां देश के सामान्य मानवीय के जीवन में परिवर्तन लाने के हमने सफलता पूर्वक अनुष्ठान किया पूरा किया दूसरे देश का मान और सम्मान स्थापित करने के साथ साथ में देश को आर्थिक रूप से कई पायदान ऊपर ले जाने में सफलता प्राप्त की है। उसी आत्मविश्वास और भरोसे के आधार पर कि देश केवल 4 जातियों का देश है, एक जाति गरीब है चाहे वो किसी मजहब का हो किसी उपजाति का हो किसी मतावलंबी किसी मत का मतावलंबी हो किसी पूजा पद्धति से आता हो किसी बोली भाषा का हो गरीब एक है उसके जीवन में को सशक्त बनाना। दूसरी महिला देश के हर घर परिवार की महिलाओं की एक ही जाति है। तीसरा युवा और चौथा किसान इन 4 संवर्गों की ताकत को बढ़ा करके हम देश को विकसित बनाएंगे। एक तरफ देश को विकसित करने के लिए उसकी आधारशिला रखते हुए देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया और दूसरी तरफ देश को अब विकसित बनाने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए
हम इस 5 साल के संकल्प के साथ में देश की जनता के सामने 5 साल से 2014 में जब हम चुनाव में गए थे तब जिस तरह के हालात उस समय देश में थे, देश में दो ही तरह के समाचार अखबारों में सुर्खियों के साथ में चलते थे और टेलीविजन की मीडिया को अट्रैक्ट करते थे, वो एक तो घोटाला होता था जो लाखों करोड़ रुपए के घोटाले हुए और दूसरा देश में आतंकवादी घटनाएं होती। अब ये समाप्त नहीं है, देश में चर्चा होती है कि गरीब का घर बन रहा है, गरीब का शौचालय बन रहा है, गरीब को बिजली मिल रही है, गरीब को पानी मिल रहा है, गरीब को बैंक का खाता मिल रहा है, किसान को आयुष्मान, किसान को किसान सम्मान निधि मिल रही है, समय पे खाद बीज मिल रहा है, देश चांद पर जा रहा है, देश आदित्य L1 ऑर्बिट में जा रहा है, देश ओलंपिक में कमाल कर रहा है और देश पूरे दुनिया में धमाल कर रहा है। ये खरब सुर्खियों का फर्क जो है अब आपको दिखाई देता होगा। हम इस परिवर्तन के संकल्प के साथ में कि हम देश को बदल कर विकसित बनाएंगे, हम चुनाव के मैदान में 5 साल से आप जल शक्ति मंत्री हैं और वो आज भी टैंकरों से पानी मंगा रहे हैं आपके जोधपुर में। 5 साल से जल शक्ति मंत्री हैं और आसपास जोधपुर से दूर जाने की जरूरत नहीं, अपन जहां बैठे यहां से 4 किलोमीटर पे भी लोग लाखों लोग ऐसे हैं जो टैंकरों से पानी मंगा रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और दूर नहीं से दूर चले गए। इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का जिम्मेदार अगर कोई है तो पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार। जल शक्ति मंत्री तो आप थे सर, मेरी पूरी बात डिबेट नहीं कर लीजिए। एक बात, माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प था कि देश के हर घर तक पीने का पानी पहुंच रहा है और जिस दिन उन्होंने लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त 2019 को यह संकल्प व्यक्त किया था उस दिन देश में मात्र 16% घरों तक पीने का पानी पहुंचता था। 19 करोड़ 40 लाख घरों में से केवल 3 करोड़ 23 लाख घर थे। आजादी के 72 साल बीत चुके थे और तब तक देश की सरकारों ने, प्रदेशों की सरकारों ने जितने यत्न प्रयत्न जत्न किए थे उसके बाद में भी 16% आंकड़ा था। माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प था कि हम देश के हर घर तक पीने का पानी पहुंचाएंगे। मैं आज गर्व के साथ में कह सकता हूं कि वो 16% आज 75% हो गया और 3 करोड़ 23 लाख जो है वो आज 14.5 करोड़ को पार कर चुका है। देश के 12 प्रदेशों में 100% सैचुरेशन हो गया। लेकिन क्योंकि पानी जो है हमारे संविधान, अगर आपने पढ़ा हो तो संविधान की व्यवस्था के अनुरूप राज्य का विषय और पानी की व्यवस्था करना, उसकी DPR बनाना, उसको DPR को इम्प्लीमेंट करना, उसका टेंडर करना, उस DPR उस पे काम करवाना, गुणवत्ता पूर्वक काम कराना, उस स्कीम को ऑपरेट और मेंटेन करना, है राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। भारत सरकार इसमें प्रत्यक्ष जाकर के इंस्पेक्शन भी नहीं कर सकती। मान लिया सर, इससे आगे बढ़ करके जब मैंने राजस्थान की सरकार को ये जो है देश के सबसे ज्यादा बजट का एलोकेशन किया, देश में सबसे ज्यादा पर कनेक्शन खर्चा जो है वो राजस्थान में आ रहा था। देश का एवरेज एक्सपेंडिचर 20,000 रुपए पर कनेक्शन है, राजस्थान का एवरेज एक्सपेंडिचर 1 लाख रुपए पर कनेक्शन। और जोधपुर और बीकानेर और बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो 2 लाख रुपए पर कनेक्शन एवरेज खर्चा है। उसके बाद में भी सारे प्रोजेक्ट सैंक्शन किए, उस 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट सैंक्शन करके उनके अगेंस्ट में 27,000 करोड़ रुपए बजट दिया। जिसको खर्च करना था ना वो 7,000 करोड़ ही खर्च कर पाया, उसमें भी घोटालों पे घोटाले हो गए। जिम्मेदार कौन है सर, जवाब दीजिए। जिम्मेदार चलो आपकी सरकार है प्रदेश में भी, अब इन लोगों को कब तक पानी रीऑगमेंट करके हम सरकार में जो है संकल्प के साथ में खड़ी है। इस मिशन पीरियड को जो 2024 में समाप्त होने वाला है इसको 1-1.5 साल के एक्सटेंड करके राजस्थान के हर घर तक पीने का पानी पहुंचे इसको सुनिश्चित करें। सर कौन कौन से मुद्दे लेकर जा रहे हैं चुनाव में सर? संजीवनी पर कौन जो है उसमें आपकी पार्टी को चंदा देती है कोई भी कंपनी, उसके बाद उस कंपनी की आपकी सरकार ऑडिट नहीं करवा दी। उदाहरण दूंगा DHFL का, जिसका आपने RBI ने 9.5% और 10% तक का मॉर्गेज लोन रखा है लेकिन उसने 15% तक लोगों से पैसा वसूला है और उसके खिलाफ कोई जांच नहीं हुई। देखिए ऑडिट करवाना सरकार का काम है, आगे कंपनी की ऑडिट करना जो है वो फायदा जो है देश में एक स्ट्रक्चर्ड व्यवस्था है और ऐसा होता नहीं है कि देश में किसी भी फाइनेंशियल कंपनी की ऑडिट नहीं हो। अरुण जी मेरी बात सुन रहे हैं, आप मुझे फाइनेंस मत पढ़ाओ, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल कह रहा हूँ। आप जो कह रहे हो जो आज
ऑडिट सुन लो पहले मेरी बात, मेरी बात सुन लो, ऑडिट को पसंद मेरी बात सुन लो, कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के ऊपर किसी भी तरह का इंटरेस्ट का बैरियर नहीं है कि वो कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। जब अरुण कुमार हर्ष शैम्पू ने लोन लिया था तब 27 पेपर में साइन किए थे कि मैं इतना लोन दे इतना इंटरेस्ट देने को तैयार हूँ। जब भरने के समय में आपको याद आया वो छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होता उसको ठीक से पढ़ना चाहिए। नहीं सर, कल से जो है देश चुनाव मोड में चला जाएगा सर, कल से देश चुनाव मोड में, कल से देश चुनाव मोड में चला जाएगा। आप क्या क्या मुद्दे लेके आ रहे हैं? देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, देश का चुनाव मोड में पिछले एक साल से और भारत तो मई में तो जिस तरह का जो हमारा संघीय ढांचा है हमारा देश ऑलमोस्ट चुनाव मोड में ही रहता है, कभी ना कहीं कहीं ना कहीं चुनाव हो रहा होता है। थोड़े दिन पहले राज्य का चुनाव हो रहा था, 5 राज्यों का चुनाव था, तब देश चुनाव मोड में था, बाहर निकले उससे पहले लोकसभा के चुनाव का मोड करता शुरू हो गया। लेकिन मैं एक बात आपको विशेष आपके संज्ञान के लिए बताना चाहता हूँ, सामान्यतया चुनाव से 6 महीने पहले अधिकारियों के भी बातचीत बदल जाती है, उनका नजरिया बदल जाता है, काम रुक जाते हैं, आने वाली सरकार करेगी क्या, उसका सोच होगा उसके हिसाब से, क्या प्रायोरिटीज होगी उसके हिसाब से काम करेगी। आज से 10 दिन पहले भारत सरकार की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मोदी जी के नेतृत्व में पूरी बैठक, सारे मंत्री, पूरे भारत सरकार के सचिव 11 घंटे तक की मीटिंग में हम विचार मंथन ये कर रहे थे कि 2037-43 तक विकसित भारत का रोड मैप क्या होगा, हम अभी कहाँ खड़े हैं 10 साल में आकर के, और आने वाले 25 साल में हमको चरणबद्ध तरीके से कहाँ जाना है, इसके ऊपर हम सब लोग विचार कर रहे थे। मंत्रियों ने, अधिकारियों ने अपने प्रेजेंटेशन किए थे। विशेष विषय इसमें उल्लेखनीय यह है कि न तो अधिकारियों के मन में और न सरकार में बैठे हुए मंत्रियों के मन में संशय था कि हम लौट करके नहीं आने वाले, वरना जिनको भरोसा नहीं होता ना वो इस चुनाव को जीतने की जुगत कर रहे होते। सर शेखावत जी, शेखावत जी आपने कहा कि राजकुमार, कौन से राजकुमार, राजस्थान वाले या दिल्ली वाले, दोनों ही बाहर है, बेचारे घर छोड़ करके। दूसरे जो जिनसे अभी जिन्हों जो मेरे ऊपर टिप्पणी कर रहे थे उनको अभी जिनसे मोहब्बत हुई है, नई मोहब्बत, इस नई मोहब्बत वाले राजकुमार जो है उनकी चर्चा की देख ले, ज्यादा दूर देखने की जरूरत नहीं। सर अब मनभेद और मतभेद बुला के चुनाव होंगे आपके लोकसभा क्षेत्र में, कोई मनभेद है कोई मतभेद है, खुल के आया था अखबारों में, खुल के आया था सर, फिर मुख्यमंत्री जी को सर इस बार लक्ष्य जो 400 पार का रखा है, रुको यार से लगे थे मत करो सर, रुको सर, ईआरसीपी की तरफ से वेस्टर्न राजस्थान के लिए कुछ है सर, WRCP का कुछ है सर, बाकी है हमारे बैठ जाओ सर, पहली बार यार प्रदीप सर रुको यार, एक ही परिवार की पार्टी, परिवार के बेटे ही परिवार, एक ही व्यक्ति के इर्द गिर्द पार्टी, पार्टी के सारे पदाधिकारी भी उसी परिवार के, पार्टी के 5 सांसदों में से 5 सांसद उसी परिवार के, वो परिवार है। परिवारवाद का अभिप्रेत ये नहीं है कि जो व्यक्ति 20 साल तक साधना करे, लगातार 20 साल तक धरातल पर रहकर के काम करे, धरातल पर रहकर के मेहनत करे, लोग उसको आकर्षित होकर के उसके साथ जुड़ करके उसको अपना प्रतिनिधि बनाना चाहे, क्या किसी का बेटा होने के नाते उसको छोड़ देना चाहिए सर, क्या उसको उसके लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित किया जा सकता है? एक परिवार, पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वही परिवार के व्यक्ति हैं, पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भी परिवार के व्यक्ति हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी उसी परिवार के व्यक्ति हैं, पार्टी के 5 सांसद के 5 सांसद उसी परिवार के, तब परिवारवाद, और परिवारवाद तब होता है जब एक अयोग्य को योग्य ठहराने के लिए पूरी पार्टी को कुर्बान कर दिया जाता है, अलगान कर दिया जाता है, देश और पार्टी दोनों के हित कुर्बान कर दिए जाते हैं, तब परिवार बीजेपी को फायदा। कांग्रेस फिर से आपको संजीवनी पे घेरने की तैयारी कर रही है और जातपुर समाज भी ऐसे संशय की स्थिति में, पिछले 5 साल तक संजीवनी की कालिक मेरे मुंह पर पोतने के लिए राजस्थान की सरकार के मुखिया ने हर संभव प्रयास किए, कुछ टिप्पणियां इसी सर्किट ने उसके बाहर की थी, उसके लिए आज भी न्यायालय में अपराधी की तरह खड़े थे, आज का कहना आज भी न्यायालय में अपराधी की तरह खड़े थे, मैं उस दिन भी कहा था और आज भी कहता हूं कि अग्नि परीक्षा करके निकलने के तैयार हूं, आज तक मेरे ऊपर कोई लांछन नहीं लगा सका और न कोई लगा सके, ये झूठ खड़ा करने वाले
खुद उस झूठ के अग्नि में जल करके भस्म हो जाएंगे। और आज जिम्मेदारी से आपके सामने कह रहा हूं, एक साल में कोर्ट जिस दिन फैसला करेगा ना हाईकोर्ट में कि संजीवनी के केस में मुझे फंसाने के लिए राजस्थान की सरकार ने आधिकारिक रूप से कह रहा हूं 40 करोड़ रुपए वकीलों को फीस के रूप में दिया, और उस डिफेमेशन केस से अपने आप को बचाने के लिए 2 करोड़ रुपए की फीस जो है आपके और मेरे टैक्स के पैसे से दी है। शब्द कोई सरकार ने बोले थे, मुख्यमंत्री ने बोले थे, व्यक्तिगत रूप से बोले थे? जो मुझे गालियां दी गई थी वो किसने दी थी? माननीय अशोक गहलोत साहब ने दी थी। अब उसका खर्चा जो है राजस्थान सरकार और आपके और मेरे टैक्स के पैसे से, उसके लिए चिट्ठी लिख करके गुहार लगा रही। और मैं आज जिम्मेदारी से कह रहा हूं, दो ही विकल्प होंगे, या तो उनके नेता की तरह जो है हमेशा के लिए पॉलिटिक्स से बाहर हो जाएंगे, और या सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना करेंगे। अब वो फ्री है, दूसरा माँ मंदिर आए थोड़ा ये फर्क आपको दिखाना चाहता हूँ। टेंडर नहीं हुआ इसलिए हमने शिलान्यास नहीं किया, क्योंकि टेंडर कंप्लीट हो जाए कंसेशनर आ रहे तो शिलान्यास। यहाँ तो फाइनेंशियल सेंक्शन नहीं थी तो भी जमीन काट करके और जो है बिद्दा काटने का काम किया है। ये फर्क आपको समझना है।